जो मैप है ये वर्ल्ड मैप है। किसका कौन सा मैप है? ये वर्ल्ड मैप है पूरा। अब अच्छे से देखिए, आपको हम क्या चीज़ अभी तक बता चुके हैं। सबसे पहले हम आपको महादेश बताए थे, महासागर बताए थे। महादेश सात को था, जो ई जो है, ई जो एरिया उसको उत्तरी अमेरिका महादेश, देख रहे हैं यहाँ तक उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, एशिया महादेश, देख रहे हैं पूरा एशिया महादेश, ई ओशिनिया महादेश, यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा, ई कितना है ओशिनिया, और जो नीचे व्हाइट कलर में है उसको अंटार्कटिका महादेश, कोई दिक्कत? सात को महादेश ई तो बता चुका था, जो मैप में अच्छे देखिए। महासागर पाँच को था, ई था प्रशांत महासागर, ई प्रशांत महासागर, यहाँ देखिए प्रशांत महासागर लिखा हुआ, प्रशांत महासागर, ई भी प्रशांत महासागर, ई है अटलांटिक महासागर, ई है हिंद महासागर, ई है देखिए दक्षिणी महासागर, और सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे ई जो है, ई ई जो है जितना है उसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। महासागर से क्या कहता है? पाँच महासागर। अब देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहले आप पढ़ाने वाले ई पढ़ाने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश, यहाँ से लेक्चर चालू करते हैं। इसमें कौन सा पर्वत है, कौन सा देश है, कौन सा झील है, कौन सा सागर है, कौन सा कौन सा समुंदर है, कौन सा झील है, कौन जल संधि है, टोटल चीज़ एक ही करके पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इतना आपको ये मैप अच्छे समझ में आया। आप हमको क्या देखना है, हम ऊपर देखो उत्तर करते हैं, दक्षिण होते हैं, पूरा होता है पश्चिम होता है, पश्चिम साइड में उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। आप देखिए यहाँ पर ये छोटा छोटा एरिया है, ये उसको कहते हैं लैटिन अमेरिका, सॉरी लैटिन अमेरिका देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिन देश बोलते हैं, कोई दिक्कत? जहाँ लैटिन भाषा जो है, जैसे सोडियम का लैटिन भाषा में क्या होता है, नाइट्रियम बोलते हैं, पोटेशियम का कैलियम बोलते हैं, ये सब कहते हैं, यहीं से निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूबा, जमैका, देख रहे हैं, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जो इतना है उसको कहते हैं वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देखिए, इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। ये बताइए, यही ना यूरोप है, यूरोप में यही नहीं स्पेन है, स्पेन से कोलंबस आया था, यहाँ पे सबसे पहले आया था रेड इंडियन, इसको बोलते थे कि नहीं, यहाँ पे आदमी इसको लगा ये इंडिया है, लेकिन इंडिया तो था नहीं, इस कोलंबिया, ये जो कोलंबस था, ये इंडिया खोज करने के लिए इसको ऐसे आना था इंडिया, लेकिन ये ऐसे समुद्र में जाकर उसको डायरेक्शन में पता ही नहीं चला, वो यहाँ पहुँच गया, तो इसलिए इसको क्या कहा? इंडिया कहा। लेकिन ये कौन सा इंडिया कहा? पश्चिम साइड का, इसलिए इसको कहते वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, इंडीज इसलिए बोलते हैं, इंडिया मतलब इंडीज बहुत सा द्वीप है, बहुत सा आइलैंड है, आइलैंड के समूह को इंडीज बोलते हैं, और क्या है? पश्चिम साइड में है, इधर पूरा इधर पश्चिम है, तो ये पश्चिम साइड का ये हो क्या हो गया? वेस्ट इंडीज। किसने नाम दिया था? कोलंबस ने दिया था, समझ में आया? वही ना अमेरिका है, देख लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके डिटेल से आपको पढ़ाते कौन कौन सा देश है, देखिए यही नहीं है उत्तरी अमेरिका जो आपको मैप में दिखाए थे। आप देखिए यहाँ पे इसको ये पूरा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये है दक्षिणी अमेरिका महादेश। ये छोटा छोटा जो है इसको हम विस्तार रूप से इधर लिख दिए हैं, आप सबसे पहले समझिए उसको क्या बोले, इसको बोले उत्तरी अमेरिका, अमेरिका महादेश बोले, कोई दिक्कत नहीं, ये है ये उत्तरी अमेरिका महादेश, कोई दिक्कत? सबसे पहले हम यहाँ से चर्चा करते हैं, सबसे पहले आप देखिए इसको कहते हैं अलास्का, अलास्का बोलते हैं, ये अलास्का पे यूएसए का अधिकार है, मतलब अमेरिका का, अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी बोलते हैं, कोई दिक्कत? तो इसलिए इसको यूएसए शॉर्ट में, जिसको अमेरिका बोलते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ध्यान से, ये है कनाडा, कौन है? कनाडा, जो हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन टूटा है यही कनाडा है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा देश है। ये है यूएसए, जिसको बोलते अमेरिका, क्या बोलते हैं? अमेरिका। आप यदि एक बात समझे हुईगा, आपको कंफ्यूजन होता होगा, उत्तरी अमेरिका महादेश जैसे जो बाइडन कहाँ का राष्ट्रपति है? उत्तरी अमेरिका महादेश का राष्ट्रपति है कि अमेरिका महादेश का? राष्ट्रपति हमेशा देश का होता है, महादेश का राष्ट्रपति नहीं होता है, तो ओनली जो बाइडन जो ट्रम्प था राष्ट्रपति, इसी यूएसए का मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति था, कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं? प्लीज बताइए हमको,
ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है यूएसए। अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ये है मैक्सिको, मैक्सिको कोई दिक्कत। आप देखिए सबसे पहले अलास्का तो जैसे भारत में उत्तर प्रदेश बिहार एक राज्य है ना, उसी पर यूएसए का एक राज्य का नाम क्या है, अलास्का है। ये पहले बहुत पहले किसका पार्ट था, किसका अधिकार था, रशिया का। रशिया यूएसए से मतलब अमेरिका से अलास्का को बेच लिया, कोई दिक्कत। तो इसलिए यूएसए अलास्का किसका अधिकार हो गया, यूएसए का अधिकार हो गया, कोई दिक्कत। तो उत्तरी अमेरिका में मेन रूप से तीन देश है, कनाडा अमेरिका मैक्सिको। मेन रूप से कितना देश है, तीन देश है, सबसे ऊपर कनाडा यूएसए मैक्सिको, कनाडा यूएसए मैक्सिको। इतना समझ में आया कि नहीं, आप समझिए पहले। ये जो है ये छोटा सा, हम ये छोटा सा एरिया को बड़ा एरिया में हम कर दिए हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये छोटा सा एरिया को हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ऐसे दिखेगा, दिखेगा। सबसे पहले इस जो है ये जो एरिया है उसको बोलते हैं ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला बोलते हैं, ग्वाटेमाला बोलते हैं, कोई दिक्कत। ग्वाटेमाला ये देश का नाम है, क्या देश का नाम है। और ये जो देश है, ये जो देश है उसको कहते हैं बेलीज। और ये जो नीचे वाला देश है इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको कहते हैं एल साल्वाडोर, साल्वाडोर। समझ में आया, एकदम अच्छे से आ गया होगा। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो जगह है इसको कहते हैं हंडुरास, हंडुरास देश, हंडुरास। ये देश का नाम है, कोई दिक्कत। आ ये जो बचा है इसको हम डैश डैश से दिखा देते हैं, इसको कहते हैं निकारागुआ, निकारागुआ। समझ में आया। अब निकारागुआ के जस्ट नीचे ये जो है हम इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देना, तो इसको कहते हैं कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। आ ये जो बचा इसको कहते हैं पनामा। ये सब देश है, क्या वो देश हुआ, ग्वाटेमाला, बेली, एल सल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लैटिन अमेरिका में क्या को देश हो गया, लैटिन अमेरिका में देशों की संख्या कितनी, 7 देश है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोले थे, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लाल पेन से अच्छे से कर देता हूँ। चुप, कोई बात नहीं, हम लाल पेन है कि नहीं मेरे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बेलीज बोले थे, यहाँ पे ग्वाटेमाला बोले थे, यहाँ पे एल सल्वाडोर बोले थे कि नहीं, यहाँ हंडुरास बोले थे कि नहीं, यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे, यहाँ निकारागुआ बोले थे, ये कोस्टा रिका था, ये कोस्टा रिका, ये है पनामा। समझ में आया। तो ये बताइए उत्तरी अमेरिका में मेन रूप से तीन देश तो यह हुआ, 7 देश क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका महादेश में क्या देश की संख्या हुआ, 10 संख्या हुआ। सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर से जो होते हैं कनाडा, यूएसए मतलब अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज हुआ, इसके बाद क्या एल सल्वाडोर, इसके बाद कौन सा हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। क्या देश हुआ, 10 देश हुआ कि नहीं हमको बताइए, 7 या 3 देश, 7-3-10। और यहाँ पे पहले आप समझिए, सबसे पहले यहाँ भी देश की संख्या है, जमैका, क्यूबा, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये बहुत सारे देश है, इसको भी हम विस्तार रूप से थोड़ा नीचे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस ईद तो क्या है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, तो इसको भी हम देश की संख्या हम आपको तुमको निकाल के बताते हैं, आपको बता, कोई दिक्कत है इतना में। देखिए आप, आपको अब बताते हैं आपको ये नीचे को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका महादेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका महादेश बोलते हैं। इसमें देखिए हम यहाँ आपको बताए थे ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, कौन सा हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। पनामा से सटा हुआ है कोलंबिया, इसको क्या कोलंबिया, क्या बोलते हैं, कोलंबिया। हम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा नाम लिखने का कोशिश करूँगा, कोलंबिया, कोई दिक्कत। तो आपको बोलेगा ये बताइए उत्तरी अमेरिका महादेश दक्षिणी अमेरिका महादेश से कौन जोड़ता है, पनामा जोड़ता है, लेकिन पनामा किससे सटा हुआ, कोलंबिया से सटा हुआ है, समझ में आया। कोलंबिया के जस्ट बगल में इक्वाडोर होता है, क्या है, इक्वाडोर है, इसको इसका नाम दिया गया है इक्वाडोर,
इक्वाडोर, समझ में आया कि नहीं। आ ये जो इक्वाडोर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इक्वाडोर है। आ इसको कहते हैं पेरू, क्या बोलते हैं? पेरू बोलते हैं। आपको इतना दूर से दिख तो रहा है कि नहीं, बता हमको एक बार, हम वीडियो चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, चलिए पेरू है। आ इसको कहते हैं चिली, चिली बोलते हैं। ई देखिए चिली, यहाँ ई ई और ई, देखिए ई और ई, अर्जेंटीना। आप नाम सुने, लियोनार्डो मेसी का नाम सुने हैं? लियोनार्डो मेसी का, यही मेसी का है कि अर्जेंटीना का है? इसको बोलते अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, कोई दिक्कत। इसको ई जो छोटा सा एरिया है, इसको उरुग्वे बोलते हैं, उरुग्वे। आ जो ऊपर है परागवे, क्या बोलते हैं? परागवे, परागवे बोलते हैं। ये जो बचा उसको कहते बोलीविया। यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे कर दो, चलिए आप समझ में आ गया होगा। बोलीविया, कोई दिक्कत? हम थोड़ा सा क्लीन करके लिख दिए, बोलीविया। समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। आज जो खाली जगह बचा है इसको कहते ब्राजील, समझ में आया? ये बताइए, पनामा से छूटा हुआ कोलंबिया, कोलंबिया के जस्ट नीचे साउथ में क्या? इक्वाडोर, इक्वाडोर पेरू, पेरू के चिली, चिली के अर्जेंटीना, अर्जेंटीना उरुग्वे, पराग्वे बोलिविया। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, कौन सा? बोलिविया। ये क्या है? ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। इसको कहते क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेनेजुएला, वेनेजुएला, कोई दिक्कत इस एरिया को। आ इसका क्या नाम है? इसको गुआना नाम है, कोई दिक्कत? आई जो जस्ट बगल में ये जो एरिया है उसको कहते हैं सूरीनाम, क्या बोलते हैं? सूरीनाम। आ जो ये जो छोटा सा एरिया जो बचा हुआ है इसका नाम दिया गया है फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना। आप एक चीज नाम सुने हुएगा फ्रेंच गुआना, फ्रेंच को मतलब फ्रांस, तो इसलिए इस एरिया पे किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच गुआना बोलते हैं। समझ में आया अच्छे से? चलिए अच्छे से आ गया होगा। देखिए सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बात आपको समझ में आया होगा, ये ब्राजील से सबसे सटा हुआ है, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, ये क्या है? बोलीविया, ये क्या है? ये क्या है? पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इसको क्या? चिली। सिर्फ फ्रेंच गुआना में हम क्या देश देखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो देश है, तो हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए कोलंबिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो ये बताइए दक्षिणी अमेरिका महादेश में क्या गो देश? 13 गो देश है कि नहीं, हमको ये बताइए पहले, 13 गो देश है। एक चीज़ समझ में आया होगा आपको, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ब्राजील से दक्षिणी अमेरिका सब देश सटा हुआ है, लेकिन सिर्फ दो देश है जो सटा हुआ नहीं है। जो सटा हुआ किससे सटा हुआ नहीं? ब्राजील से। जो एक में है इक्वाडोर, जो ब्राजील से सटा हुआ है नहीं। चिली ब्राजील से सटा हुआ है नहीं, तो इसलिए कहा क्वेश्चन आ जाता है। आप बताइए क्या ब्राजील से चिली सटा हुआ है? नहीं। इक्वाडोर सटा हुआ है? नहीं। समझे? एक बार रिविजन कर लीजिए, इसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश, इसे कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महादेश, कोई दिक्कत? दो महादेश आपको क्लियर होते जा रहा है। सबसे पहले आप समझिए, ऊपर में कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, तीन देश है। ई लैटिन अमेरिका में सात देश है। सबसे ऊपर यहाँ पर हम अब बतले ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। पनामा से सटा हुआ है कोलंबिया। यहाँ ये बताइए पनामा से कौन सटा होगा? कोलंबिया होगा, कोई दिक्कत? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, फ्रेंच गुआना, गुआना, ई सूरीनाम, इसको कहते हैं गुआना। इतना है कि नहीं, हमको ये बताइए। ये आपको अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से आप करते जाइएगा। आप देखिए सबसे पहले
हम थोड़ा सा यहाँ पे भी क्या है, वेस्ट इंडीज में बहुत सा देश है, इसको हम थोड़ा विस्तार रूप से थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बताइए, हम इस सब का राजधानी भी आपको बता दूँ, बता देंगे तो इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए हमको, आ गया होगा सबसे एक बात समझिए पहले, सबसे पहले समझिए, अलास्का आपको बोलेगा क्या कनाडा का पार्ट है? नहीं, यूएसए का पार्ट है। आप देखिए सबसे पहले राजधानी, कनाडा का राजधानी ओटावा है, कौन सा है? ओटावा, राजधानी ओटावा, राजधानी। तो आप बताइए, एक बात बताइएगा, हम आपको बोले हैं कनाडा, कनाडा का राजधानी क्या बोले हैं? ओटावा बोले हैं, कोई दिक्कत? इसी तरह यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे है वाशिंगटन डीसी, कहाँ पे? यहाँ पे है वाशिंगटन डीसी, आपको सब चीज़ है। मेक्सिको का है मेक्सिको सिटी, कोई दिक्कत? ग्वाटेमाला का क्या है? ग्वाटेमाला सिटी, सिटी। बेलीज का क्या है? हम यहाँ पे इथो, यहाँ पे है तो हम इसको राजधानी ऐसे लिख दें, ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज का राजधानी क्या है? बल्मा पेन। एल सल्वाडोर की राजधानी होता है सान सल्वाडोर, कोई दिक्कत? ये राजधानी है इसलिए यहाँ पे लिख दिया हो राजधानी। हंडुरास का क्या है हमको ये बताइए, आप अच्छे से बताइए पहले, हंडुरास का क्या आपको आ गया होगा? क्या मतलब हंडुरास का क्या वो है बताइए, हंडुरास का क्या है? टेगुसिगल्पा, कहाँ है? टेगुसिगल्पा। और निकारागुआ का क्या होता है? मानागुआ होता है कि नहीं? मानागुआ होता है अप्रोक्स, कोई दिक्कत? ये हमको बताइए, इतना हुआ कि नहीं ये बताइए, इतना हो गया। और कोस्टा रिका का कौन होता है बताइए, कोस्टा रिका का सान जोन्स होता है कि नहीं? सान जोन्स, समझ में आया। अब पनामा का तो आप जानते हैं, पनामा सिटी होता है, पनामा सिटी। हम यहाँ पे अमेरिका का लिख देते हैं वाशिंगटन डीसी, आप यहाँ पर डीसी का मतलब ले सुनिए, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ पे जैसे बिहार में, सॉरी इंडिया में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य है, उसी प्रकार अमेरिका में 50 राज्य हैं जिसमें से एक राज्य है कोलंबिया। कोलंबिया में एक शहर का नाम है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी है, उसी पर वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका का राजधानी है। मेक्सिको का राजधानी है मेक्सिको सिटी, समझ में आया? ये आपको इतना समझ में आया कि नहीं हमको बताइए। तब यहाँ से आप लिखने, यहाँ से इतना आपको आ गया होगा अच्छे से, आप लिख लिए होइएगा, लिख लिए कि नहीं बताइए, लिख लिए होइएगा। इसी प्रकार पनामा से कौन सटा हुआ है? दक्षिण अमेरिका कौन सा देश सटा हुआ? कोलंबिया। अब कोलंबिया का राजधानी आपको पता है बोगोटा होता है, बोगोटा, समझ में आया कि नहीं? इक्वाडोर का क्या होता है हमको बताइए, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, ये सब क्या होता है? इक्वाडोर का क्या होता है बताइए हमको, इक्वाडोर का क्या होता है? क्यूटो होता है कि नहीं बताइए, क्यूटो। अब पेरू का तो आप जन्मे कहते लीमा होता है, लीमा, बताइए। ये अच्छे से आप एक एक करके लिखते जाइएगा। आप बताइए कोलंबिया का राजधानी क्या हो? बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी हो गया क्यूटो। पेरू की राजधानी हो गया लिमो, लीमा, 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 लीमो नहीं, लीमा। आप बताइए बोलीविया, बोलीविया का राजधानी क्या होगा बताइए? ये जो बोलीविया, ये जो देश है, ये जो देश है बोलीविया, बोलीविया का राजधानी है ला पाज। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। पेरू की राजधानी लीमा। बोलीविया की राजधानी ला पाज। चिली की राजधानी कहाँ होता है ये हमको बताइए एक बार, बताइए। चिली की राजधानी क्या होगा? सांटियागो, 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 समझ में आया? चिली की राजधानी कहाँ है? सांटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है? सांटियागो। चिली की राजधानी सांटियागो, समझे? आप बताइए अर्जेंटीना का राजधानी क्या होगा बताइए? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस आयर्स,
इसी तरह आपको सब राजधानी लिख लीजिए कि नहीं, बताइए हमको, बताइए आप बताइए आपको। तो हम धीरे धीरे ये आप लिख ली हुई सर टोटल चीज। जैसे आप सबसे पहले प्राकृतिक राजधानी अफुसियन, ये बताइए फ्रेंच गुआना तो फ्रांस का अधिकार है, तो फ्रांस का राजधानी तो क्या होता है, पेरिस होता है, तो इसलिए फ्रेंच गुआना का राजधानी क्या होगा, पेरिस होगा, कोई दिक्कत इसका लिखने की जरूरत है नहीं। तो सूरीनाम, ये जो देश है सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी क्या है, पैरामेरिबो, कोई दिक्कत। और ये जो है गुआना, गुआना का राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन, क्या है, जॉर्ज टाउन, क्या है, जॉर्ज टाउन। अब वेनेजुएला का क्या होगा बताइए, कराकस, ये आपको बताएंगे जब इन्वायरमेंट के रिलेटेड जब संधि होता है, समझौता होता है, जब सम्मेलन होता है, तो ये सब देश के बारे में फिर से आपको बताएंगे। वेनेजुएला का राजधानी क्या है, कराकस। तो एक बार दक्षिणी अमेरिका महादेश के एक बार राजधानी देखिए जल्दी से, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, पेरू की राजधानी लीमा, बोलीविया की राजधानी लापाज, चिली की राजधानी सांतियागो, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, ई है पराग्वे, पराग्वे की राजधानी असुनसियन, असुनसियन, ब्राजील की राजधानी कहाँ है बताइए, ब्रासिलिया, 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 कोई दिक्कत। अब फ्रेंच गुआना किसका अधिकार है, फ्रांस का, इसलिए इसका राजधानी कहाँ होगा, पेरिस होगा। सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो, सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। इतना समझ में आपको आया कि नहीं, आ गया। एक बार सब ऊपर से देखिए, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश के देशों का नाम देखिए और राजधानी का नाम देखिए। सबसे पहले अलास्का है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला, बेली, एल साल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, ये क्या है, कोस्टा रिका, पनावा, कोलंबिया, ये क्या है, इक्वाडोर, ये क्या है, पेरू, ये क्या है बताइए, चिली, ये क्या है, चिली, ये क्या है बताइए, ये अर्जेंटीना है, ये क्या है, बोलीविया, ये क्या है, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, ब्राजील, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, ये क्या है, वेनेजुएला। समझ में इतना आ गया। आप बताइए कनाडा की राजधानी ओटावा, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, ये क्या है, ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है बताइए, ग्वाटेमाला की राजधानी आपको लिख दिया, ग्वाटेमाला सिटी। एल साल्वाडोर की राजधानी है सान साल्वाडोर, बेलीज की राजधानी बल्मा पेन, बल्मा पेन, ये क्या है, बल्मा, एम है, म है, म, बल्मा पेन। हंडुरास की राजधानी का है टेगू सिगल्पा, टेगू सिगल्पा, हंडुरास की राजधानी का है से टेगू सिगल्पा। निकारागुआ की राजधानी का है मोनालुआ, मोनागुआ, ये बताइए। कोस्टा रिका की राजधानी का है सान जोन्स, क्या है, सान जोन्स। पनामा की राजधानी पनामा सिटी, इसी प्रकार कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, पेरू की राजधानी लीमा, बोलीविया की राजधानी लापा, चिली की राजधानी सांटियागो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, पराग्वे, ये जो है ई पराग्वे, पराग्वे की राजधानी असुनसियन, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, फ्रेंच गुआना का पेरिस, इसका सूरीनाम का पैरामेरिबो, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। इतना आपको अच्छे से आ गया होगा। हम एक देश का नाम, ये जो है क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज के देश का नाम अभी बताया नहीं है, ये बताएंगे। देखिए आप, आपको वेस्ट इंडीज मतलब, आप बताइए वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है कि नहीं बताइए, वेस्ट इंडीज जो देश है यहाँ पे है, तो ये जितना देश लिखे है ये तो वेस्ट इंडीज देश कहा जाता है, इसलिए वेस्ट इंडीज देशों के समूह है वेस्ट इंडीज, इस सब में से खिलाड़ी आता है। क्रिस गेल कहाँ का है, वेस्ट इंडीज प्लेयर है, ये जमैका का है, तो इसको हम लिख देते हैं वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट इंडीज देश, कोई दिक्कत। ये सारा देश है, जैसे यहाँ पे है, ये बताइए मैक्सिको, मैक्सिको जस्ट बगल क्यूबा है, जमैका है, कोई दिक्कत, बहामास है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये ऐसे ऐसा है, ऐसे ऐसे ये सब द्वीप है, ये सब द्वीप है, द्वीप 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 क्या है, द्वीप है, आइलैंड है, छोटा सा। इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको जूम करेंगे गूगल पे तो ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत। आप सबसे समझिए, सबसे पहले ये क्यूबा क्या है, ये क्यूबा देश है, कौन सा देश है ये, देखिए जितना देश लिखे हैं ना ये सब यूएन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1947 को हुआ था कि नहीं, यूनाइटेड नेशन क्या वो देश है,
143 उद्देश्य है मेन रूप से यूएन के, जितना देश उसी देश को हमको पढ़ना पड़ता है। तो इस जितना सब देश के बारे में अच्छे से जान लेना है। इसको ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं क्यूबा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्यूबा, बहामास, जमैका। ये जो है ये जो द्वीप है इस द्वीप पर दो देश है, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती। इस द्वीप का नाम है हिस्पेनियन द्वीप आइलैंड। ये बताइए हिस्पेनियन द्वीप पे क्या देश, दो वो देश, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती, कोई दिक्कत? आप बताइए एक बात बताइएगा, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है और डोमिनिका अलग है, ये दोनों देश अलग अलग है। तो कभी भी कंफ्यूजन एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन मत रहिएगा। डोमिनिका अलग होता है, डोमिनिकन रिपब्लिक अलग होता है। डोमिनिकन रिपब्लिक हिस्पेनियन द्वीप पे है, तो हिस्पेनियन द्वीप के बाहर है। तो ये बताइए इसको बोलते हैं सेंट किट्स नेविस, क्या बोलते हैं, सेंट किट्स नेविस। इसको क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिका बरमूडा, एंटिका बरमूडा, कोई दिक्कत? ये डोमिनिका होता है, सेंट लुसिया होते हैं, सेंट लुसिया होते हैं, और इसको कहते हैं सेंट विसेंट और ग्रेनेडा, कोई दिक्कत? ये बारबाडोस होता है, बारबाडोस, ये ग्रेनेडा होता है, ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो ये बताइए इतने को, ये जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कहाँ है, वेनेजुएला के पास है, ये वेनेजुएला के पास है। और सब देश वेस्ट इंडीज इतना में ही है। तो हम जूम करके देखें तो ना इतना समझ में आया। तो हम क्या चीज़ें समझे हैं, क्यूबा समझे हैं, बहामास समझे हैं, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, सुनिए नहीं, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगा बरमूडा, डोमिनिका, सेंट लुसिया, बारबाडोसा, ग्रेनेडा, सेंट विसेंट और ग्रेनेड, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ये है वेस्ट इंडीज़ के देश, किसका देश है, वेस्ट इंडीज़ के देश है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताइए पहले, ये आपको अच्छे से आ गया हो। देखिए जूम थोड़ा सा कीजिए, नहीं ऐसा करके देखिए, आप समझ में आया अच्छे से। चलिए एक देश का नाम मैं छूट गया था जो हमको आवश्यकता होगा कि करंट में हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए इसे कैमेन आइलैंड बोलते हैं, कैमेन द्वीप बोलते हैं द्वीप। ये आप सबसे पहले देखिए, क्यूबा, बहामास, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका, एंटीगा बरमूडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लुसिया, बारबाडोस, ग्रेनेडा, सेंट विसेंट ग्रेनेड, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। क्या देश होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 का, लेकिन मुख्य इसमें तो हजारों द्वीप है, तो मुख्य रूप से 14 द्वीप के बारे में पढ़ लेना है। तो समझे कि नहीं, ये हमको बताइए। तो इसमें एक दो का सबका राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो, देखिए इसमें जितना राजधानी आपको लिखे वही चीज़ याद करने ये गया, बाकी का राजधानी आपको याद ही नहीं करना है, सिर्फ दिमाग का लोड बढ़ेगा। ये सब जो हम लिखे हैं ये करेंट अफेयर में हमेशा आने वाला चीज़ है। इसलिए क्यूबा का राजधानी हवाना, जमैका का राजधानी किंगस्टन, हैती का पोर्ट्स एंड प्रिंस, पोर्ट्स और प्रिंस, और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमेगा, क्यों दिक्कत है? ये डोमिनिकन रिपब्लिक के जस्ट बगल में वो है द्वीप का नाम है प्यूटारिका, क्या है, प्यूटारिका, प्यूटारिका कौन सा देश है, प्यूटारिका देश है, जिस पे यूएसए का अधिकार है, इस पे किस देश का अधिकार है, यूएसए का, किस पे, प्यूटारिका पे। जैसे फ्रेंच गुआना, ये जो फ्रेंच गुआना था, फ्रेंच गुआना किसका अधिकार था, फ्रांस का, इसी प्रकार प्यूटारिका पर किसका अधिकार है, यूएसए का। इतना समझ में आया कि नहीं, ये हमको पहले बताइए, ये समझ में आ गया, ये आपको सब तो याद ही हो गया होगा। जैसे कनाडा के राजधानी ओटावा, यूएसए के राजधानी वाशिंगटन डीसी, मेक्सिको के राजधानी मेक्सिको सिटी, ग्वाटामाला के राजधानी क्या होता है बताइए, यहाँ ये क्या है, ग्वाटामाला है कि नहीं बताइए, ग्वाटामाला की राजधानी ग्वाटामाला सिटी नहीं बोले थे, ये बेलीज था कि नहीं, ये क्या था, एल सल्वाडोर था, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, ये क्या था, गुआना, ये क्या था, वेनेजुएला। हाँ, अब वेस्ट इंडीज देश में आपको बताए थे, ये क्या है, कैमेन द्वीप, कैमेन द्वीप, क्यूबा है, बहामास, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, एंटीगा और बरमूडा, सेंट किट्स नेविस, डोमिनिका, सेंट लुसिया, बारबाडोस, सेंट विसेंट और ग्रेनेड, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है,
इसके बाद आपको डिटेल में अच्छे से पर्वत का कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सा मरुस्थल है, इसमें कौन सा जल संधि जाती है, कौन सा जल संधि किसको बांटती है, कौन सा सागर है, ये सब आपको अगले लेक्चर में बताते जाएंगे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं हमको ये बताइए, अच्छे से आ गया होगा। चलिए जय हिंद।